सिट्रस का एक जज्बा देखने को मिला। तैरकर वोट डालने के लिए गए चार गांव के लोगों का यह जज्बा है। पुल नहीं था तो वोट डालने के लिए तैरकर ही नदी पार कर ली। ग्रामीण नदी पार कर रहे और नदी पार करके वोट डालने पहुंचे 350 से अधिक ग्रामीण तैर करके वोट डालने के लिए पहुंचे। पोहरी विधानसभा क्षेत्र के गांवों का ये जज्बा देखिए, जहां पवा, पडुआ, पचपेड़िया, कल्याणपुर का ये पूरा मामला, ये सभी गांव के जो ग्रामीण हैं तैर करके नदी पार कर रहे हैं और वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये जज्बा, ये मतदान करने के प्रति लोगों में जो जज्बा है, देखिए किस तरह से नदी को तैर कर उन्होंने पार किया और इस नदी को तैर कर पार करने के बाद वोट डालने के लिए दरअसल वे सभी पहुंचे। वोटर्स का यह जज्बा देखकर इन्हें सलाम करने को जी करता है, सल्यूट करने को जी करता है। देखिए किस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने आस्था की डुबकी ही लगा डाली। अब ये प्रशासन के लिए, पिछली सरकारों के लिए, वर्तमान सरकार के लिए एक संदेश है या फिर लोकतंत्र के प्रति जज्बे को यहां देखा जाए। अब इसमें, इस पूरी खबर में देखिए नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही पक्ष दिखाई देते हैं। एक तरफ लोगों को आज तक इस नदी पर पुल नहीं मिला और इसी के खिलाफ ये वोट डालने गए, या फिर इन्हें अभी भी पूरा भरोसा सिस्टम पर है कि वो और उनका एक वोट उनकी किस्मत बदल सकता है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का